Well, I hope everyone is rested. आशा करते हैं कि आप सब लोगों ने आराम किया. And that you ate well. और अच्छे से उठ गए. Well, let's go back to the book of Romans, chapter 3. आइए फिर से रोमियों की पत्री उसके तीन अध्याय में वापस चलें. Let's just read verse 23. आइए फिर से 23 पद को पढ़ें. इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं. For all have sinned and fall short of the glory of God. इसलिए कि सब ने पाप किया है और वह परमेश्वर की महिमा से रहित हैं. We have considered what it means for all to have sinned. और हमने देखा कि सबने पाप किया है उसका क्या मतलब है. But what does it mean to fall short of the glory of God? अब हम देखना चाहते हैं इसका क्या मतलब है परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए हैं. This is a very important part of this verse. इस पद का ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है. You see, men need to be told that they have sinned. आपने देखा कि लोगों को बताया जाना जरूरी है कि उन्होंने पाप किया है. But they also need to be told why their lives are so wrong. और अब लोगों को ये भी बताना जरूरी है कि क्यों उनके जीवन बहुत बुरे हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है. Why their lives just do not seem to work right. क्यों लोगों का जीवन ठीक स्थिति में नहीं है. Why they're in such misery. क्यों लोगों के साथ ये समस्या है. Now sin has its own consequences. पाप के अपने परिणाम हैं. And men suffer misery because of their sin. लोग अपने पाप का परिणाम भोगते हैं. But men also suffer because they have fallen short of the glory of God. लेकिन लोग इस कारण भी परिणाम भोगते हैं क्योंकि वे परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए हैं. In contemporary times, this verse is interpreted in the following way. In our modern day, this verse is interpreted the following way. वर्तमान में इस पद का इस प्रकार से अनुवाद किया जाता है. That God has a glorious purpose for man, and man has fallen short of that because of his sin. परमेश्वर का मनुष्य के लिए एक महिमामय उद्देश्य था और पाप के कारण मनुष्य उस उद्देश्य से भटक गया. Now there's some truth in that statement. इस कथन में कुछ सत्य है. Man was created for a glorious purpose. मनुष्य परमेश्वर की महिमा के लिए अर्थात महिमा में उद्देश्य के लिए बनाया गया था. But that's not the main point here. लेकिन वही मुख्य बात नहीं है यहाँ पर. The main point is that we were made for the glory of God. हम परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए थे, यह मुख्य बात है. We were made for him. हम उसके लिए बनाए गए थे. In many of the confessions, there's a very important statement. बहुत सारे अंगीकारों में बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कथन है. Why did God make you? परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया? God made us for His glory. परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया. And that we might enjoy Him forever. ताकि हम उसका हमेशा आनंद उठाएं. Now you probably know what a guitar is. आप जान हो सकता आप में से लगभग सब लोग जानते होंगे गिटार क्या होता है. But do you know what a bow and arrow looks like? धनुष और तीर किस प्रकार से दिखते हैं आप वो भी जानते होंगे. Well, I make bows and arrows. Sorry. I make bows and अच्छा, arrows. आप धनुष और तीर बना सकते हैं. And I can use one of my bows to kill a great big animal. और वो अपने तीर का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी बड़े जानवर को मारने के लिए. My bows are very, very good for hunting. इनकी जो तीर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं शिकार के लिए. But they're not good for playing music. लेकिन वो बजाने के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं. A guitar is really good for playing music. गिटार जो होता है वह म्यूजिक के लिए बहुत अच्छा होता है. But you can't shoot an arrow out of one of them. लेकिन गिटार से आप किसी का शिकार नहीं कर सकते हैं. So if I have a guitar that cost $5,000. यदि उनको गिटार चाहिए तो उसकी कीमत जो है वो $5,000 है. And I try to shoot an arrow out of it. और अगर उससे तीर चलाना चाहें, it's not going to shoot one. वो नहीं चलेगा. So I go back to the store where I bought the guitar. और तब वो दुकान वाले के पास वापस जाते हैं जहाँ से उन्होंने गिटार खरीदा था.
And I say this guitar is no good. और तब कहते हैं कि ये गिटार अच्छा नहीं है. It doesn't shoot arrows straight. इससे तीर नहीं चलते हैं अच्छे से. The store owner is going to look at me. और तब दुकान वाला इनको देखेगा. And think I'm crazy. और कहेगा ये पागल है. He's going to say the guitar was not made to shoot an arrow. और तब वो कहेगा कि गिटार तीर चलाने के लिए नहीं बनाया गया है. That's the problem. वही समस्या है यहाँ पर. Man is not living for what he was made for. मनुष्य उस लिए जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं जिसके लिए वो बनाए गए थे. We need to proclaim that. हमको वो घोषणा करना है. We need to tell men why they were made. हमें लोगों को बताने की जरूरत है कि वह क्यों बनाए गए हैं. They were made for God. लोग परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं. They must be reconciled with God. उनको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना जरूरी है. And they must serve God with all their heart. और उनको पूरे हृदय से परमेश्वर की सेवा करना है. Only then will they find peace. तभी उनको शांति मिल सकती है. Why is the world so bad? संसार क्यों बहुत बुरा है? Why is everything so wrong? क्यों सब कुछ गड़बड़ स्थिति में है? Because men are not living for the purpose for which they were made. क्योंकि मनुष्य उस उद्देश्य से नहीं जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिसके लिए वे बनाए गए थे. Now, a lot of people today are teaching on purpose. बहुत सारे लोग आज उद्देश्य पर सिखाते हैं. But they've got it all backwards. लेकिन वह सब पीछे की ओर जा रहे हैं, पिछड़ गए हैं. They look at people and say, God wants to make you everything you want to be. वह लोगों को देखते हैं और कहते हैं, जो कुछ तुम बनना चाहते हो, परमेश्वर तुम्हें वो बनाना चाहते हैं. That's not true. वो सत्य नहीं है. God wants to make you everything He wants you to be. परमेश्वर आपको वो बनाना चाहते हैं जो वो चाहते हैं. And the only way mankind is going to be happy is to submit to His lordship. और मनुष्य तभी प्रसन्न हो सकते हैं जब वह परमेश्वर की अधीनता में अपने आप को डालते हैं, उसके प्रभुता की अधीनता में. We must preach these things. हमें इन बातों का प्रचार करना जरूरी है. The world knows that it's all wrong. संसार जानता है सब गड़बड़ है. But it doesn't want to think about it. लेकिन वो लोग सोचना नहीं चाहते. It doesn't want to hear it. वो लोग सुनना भी नहीं चाहते. It complains. और शिकायतें. But it doesn't want to know why. लेकिन लोग नहीं चाहते हैं क्यों. It's the job of the preacher to tell them. ये प्रचारक का कार्य है कि लोगों को बताएं. To talk about sin. पाप के बारे में बात करें. To talk about rebellion against God's purpose. परमेश्वर के उद्देश्य के विरोध में जो विद्रोह है उसके बारे में बात करें. We must make these things known to men. हमें लोगों के लिए ये चीजें बताना है, लोगों को जानकारी देनी है. And then point them to the Savior. तब उनको उद्धारकर्ता की ओर दिखाना है. Now all men have sinned and fall short of the glory of God. सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं. In verse 24 it talks about the Christian. 24 पद में वो बात करता है. And it says that he has been justified as a gift by his grace through the redemption which is in Christ Jesus. वह उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सहित में धर्मी ठहराए जाते हैं. Now what does it mean to be justified? धर्मी ठहराए जाने का क्या मतलब है? The Christian is justified. मसीही लोग जो हैं वो धर्मी ठहराए गए हैं. What does it mean? उसका अर्थ क्या है? Does it mean that the Christian has been forgiven? क्या इसका मतलब मसीही लोगों के पाप क्षमा हो गए हैं? Yes, but it means much more than that. ये बात सही है, लेकिन इसका इससे भी बढ़कर कुछ अर्थ है. Justified is a legal term. जो धर्मी ठहराया जाना है एक नैतिक बात है. Used in a court of law. ये व्यवस्था के अनुसार है. The moment a person believes in Jesus Christ, जिस क्षण एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, God declares them to be legally right with Him. परमेश्वर उसको उसके साथ सही घोषित करता है उसी क्षण. God declares them to be right. परमेश्वर उसको सही घोषित करते हैं. Now this is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है. Justification does not mean धर्मी ठहराए जाने का मतलब यह नहीं है that the moment you believe in Jesus you become a righteous being. जिस क्षण आपने यीशु पर विश्वास किया उसी समय आप धर्मी बन गए, उसका मतलब यह नहीं है. It doesn't mean that the moment you believe in Jesus he makes you perfectly righteous. और उसका मतलब यह भी नहीं है कि जिस समय आपने यीशु पर विश्वास किया उसने आपको सिद्ध रूप से धर्मी बना दिया.
If that was the case, you would never sin again. अगर ये ऐसा होता तो आप कभी पाप नहीं करते. What it means is God declares you to be right with Him. उसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको उसके साथ धर्मी ठहराते हैं. So you stand before the judge. आप न्याय के सामने खड़े होते हैं. And the judge declares you to be right. और न्याय कहता है कि आप सही हैं. Do you understand? समझ रहे हैं इस बात को? It's a legal declaration. ये एक कानूनी घोषणा है. Now this is going to be very, very important later on. बाद में ये बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर हम देखेंगे. So let me repeat. इसको फिर से दोहराएंगे. The moment a person believes in Jesus Christ, जिस क्षण एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, that person is declared to be legally right with God. वह कानूनी रूप से परमेश्वर के साथ सही ठहराया जाता है. And God treats them as someone who is right with Him. और परमेश्वर उसके साथ ऐसे व्यवहार करता है जैसे कोई व्यक्ति उसके साथ सही से है. Now here's something very important. यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण है. All the major religions in the world are working to be right with God. संसार के सभी बड़े धर्म परमेश्वर के साथ सही होने के लिए कार्य कर रहे हैं. Even in the Hindu religion, they try to be free from their sin. यहाँ तक कि हमारे हिंदू समाज में भी, हिंदू धर्म में भी लोग सही होना चाहते, पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं. Now this is amazing. This is amazing. यह अद्भुत बात है. All the religions of the world, संसार के सारे धर्म, recognize that there's something wrong with man. जानते हैं कि मनुष्य के साथ कुछ गड़बड़ है. Something must be done about his sin. पाप के साथ कुछ ना कुछ किया जाना जरूरी है. Everyone's in agreement with that. सब लोग उसके साथ सहमत हैं. The question is, what do you do with your sin? प्रश्न यह है कि आप अपने पाप के साथ क्या कर रहे हैं? How can a man be declared right before God? एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ कैसे धर्मी ठहराया जा सकता है? Let's say that I'm a reporter. Reporter. आप मान लें कि आप एक रिपोर्टर हैं. And I walk up to a Jewish man. और एक यहूदी के पास जाते हैं आप. And I say, sir, if you died right now, where would you go? और उससे पूछते हैं कि श्रीमान जी, यदि आप अभी मर जाएं तो आप कहां जाएंगे? He said, heaven. वो कहता है स्वर्ग में. I said, how do you know that? और तब वो पूछेंगे उससे कि कैसे आपको ये मालूम है? He'd say, because I love the law of God. तब वो कहेगा क्योंकि मैंने व्यवस्था से प्रेम किया है परमेश्वर की. I obey the law of God. मैं व्यवस्था का आज्ञाकारी रहा हूँ. I am a righteous man. मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ. Okay. ठीक है. I go up to a Muslim. तब एक मुस्लिम के पास जाते हैं वो. If you died right now, where would you go? प्रश्न पूछते हैं वही कि यदि आप अभी मर जाएं तो कहाँ जाएंगे? He says to heaven. और वो भी कहता है स्वर्ग में. I say why? तब पूछते हैं क्यों? He says I love the Quran. तब वो कहेगा मैं कुरान से प्रेम करता हूँ. I have obeyed the Quran. मैंने कुरान का पालन किया है. I make all the pilgrimages. और मैंने सारे धार्मिक क्रियाकलापों को किया है. I say all the prayers. और मैंने सारी नमाजों को पढ़ा है. I am a righteous man. मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ. Okay. ठीक है. So now as a reporter, I go to the Christian. तब वो एक मसीही के पास जाते हैं. The real Christian. जो वास्तविक मसीही है. And I say, sir, if you died right now, where would you go? और उससे भी वही प्रश्न पूछते हैं, श्रीमान जी, यदि आपकी मौत अभी हो जाए, तो आप कहाँ जाएंगे? And he says, oh, I would go to heaven. और वो भी कहता है कि मैं स्वर्ग जाऊँगा. Well, tell me why. तब भी पूछते हैं, मुझे बताइए कैसे, क्यों? He says, okay. I was born in sin, and in sin did my mother conceive me. तब वो बताता है कि मैं पाप में जन्म लिया मैंने और मेरी माता ने पाप में गर्भ धारण किया. And I have broken all the laws of God. और मैंने परमेश्वर की सारी व्यवस्था का तोड़ा है. And I deserve to go to hell. और मैं नरक में जाने का अधिकारी था. And me as the reporter, I say, hold it, stop. और तब ये रिपोर्टर होने के नाते कहते हैं, नहीं ले आप रुक जाइए. I don't understand. मैं समझ नहीं रहा हूँ आपकी बात को. I understand the Jewish man. मैंने यहूदी की बात को समझ लिया. He says he's going to heaven. उसने कहा वो स्वर्ग जा रहा है. Because he's earned it. क्योंकि उसने
कमाया है इस बात को. Because he's a good man. क्योंकि वह भला आदमी है. I understand that. मुझे यह बात समझ में आई. I understand the Muslim man. मुस्लिम की बात समझ में आती है मुझे. He says he's going to heaven. उसने कहा वह स्वर्ग में जाएगा. Because he's obeyed his God. क्योंकि उसने उसके अल्लाह का जो नियम है उनको पालन किया है. He's a good man. वो भला आदमी है. He deserves to go to heaven. वह इसका अधिकारी है. But I don't understand you. मुझे आपकी बात नहीं समझ में आ रही है. You tell me you're going to heaven. और आप कह रहे हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे. But you're telling me also that you deserve to go to hell. और लेकिन आप बता रहे हैं कि मैं नरक में जाने का अधिकारी था. How are you going to heaven? कैसे आप स्वर्ग को जा रहे हैं? And the Christian says this. और तब वो मसीही व्यक्ति बताता है आगे. I am going to heaven because of the virtue and the merit of another. तब वो बताता है कि जो मूल्य है या जो योग्यता है वह दूसरे व्यक्ति के कारण दूसरे के द्वारा मुझे प्राप्त हुई है. He's going to heaven not because of his virtue. वह अपने कारण नहीं जा रहा है अपने गुणों के कारण नहीं जा रहा है स्वर्ग में. But because of the virtue of Christ. लेकिन मसीह के गुणों के कारण. He's going to heaven not because of his own good works. वह अपने भले कामों के कारण स्वर्ग को नहीं जा रहा है. But because of the good work of Christ. लेकिन मसीह के भले कार्यों के कारण. This is the difference between Christianity and all other religions. मसीहियत में और दूसरे धर्मों में यही अंतर है. The Christian is the only one who can say that he is going to heaven and not be boasting. और मसीही वही लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि वो स्वर्ग जा रहे हैं और इस बात पर घमंड नहीं करते. Because he's not going to heaven based upon his own merit or works. क्योंकि वह अपने कार्यों और गुणों के कारण स्वर्ग में नहीं जाते हैं. That is how the Bible says a man is justified. और उसी बात की शिक्षा बाइबल यहाँ पर देती है एक व्यक्ति के धर्मी ठहराए जाने के बारे में. Not by his own works. उसने उसके स्वयं के कार्यों के कारण नहीं. But by faith in Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास के कारण. So when we say we're going to heaven, we are not boasting. जब हम कहते हैं कि हम स्वर्ग जा रहे हैं, तो हम घमंड नहीं करते. We're not boasting in ourselves. हम अपने आप पर घमंड नहीं करते. We're boasting in Christ. हम मसीह पर घमंड करते हैं. Now, but let me clarify something. आइए हम और स्पष्ट करें कुछ बातों को. Even though a Christian recognizes that he is justified only by faith. यहां तक कि एक मसीही ये विश्वास करता है कि वह केवल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है. If he has been justified by faith, he has also been regenerated. यद्यपि वह विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है फिर भी उसने उसका पुनर्जन्म हुआ है. He has been born again. उसका पुनर्जन्म नया जन्म हुआ है. And he will not continue living like the devil. अब वह शैतान या के समान जीवन को नहीं व्यतीत करता रहेगा. Because he's a new creature. क्योंकि अब वह नई सृष्टि है. Now, let me just say something here very quickly that's so important. एक बात कहेंगे जल्दी से बहुत महत्वपूर्ण है वो. Man has two problems. मनुष्यों के साथ दो समस्याएं हैं. One is the condemnation of sin. एक है जो पाप का द्वारा दोषी ठहराया जाना. The other is the power of sin. और दूसरा है पाप की सामर्थ्य. Do you understand? The man has a problem with the condemnation of sin. पाप के द्वारा दोषी ठहराया जाना पहली समस्या है मनुष्य की. And with the power of sin. पाप की सामर्थ्य दूसरी समस्या है. Now, how does God solve that problem? परमेश्वर ने इन दोनों समस्याओं का समाधान कैसे किया? The problem of our condemnation is solved by the doctrine of justification. जो दोषे पर दोष की समस्या थी उसका समाधान धर्मी ठहराए जाने के सिद्धांत के द्वारा हुआ. The law declares that we must die. व्यवस्था घोषणा करती है कि हमें मरना है. Christ dies in our place. यीशु मसीह हमारे स्थान पर मर गए. Those who believe in Christ, जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, God declares them no longer to be condemned but to be justified. अब परमेश्वर उनको दोषी नहीं ठहराता है परंतु धर्मी ठहराता है. Do you understand? समझ में आ रही बात? But now there's the problem of the power of sin. और अब पावर पाप की सामर्थ्य की समस्या है. How does God solve that problem? परमेश्वर ने उस समस्या का समाधान कैसे किया? The doctrine of regeneration. अब
पुनर्जन्म का सिद्धांत, नए जन्म का सिद्धांत. Those who have been justified by faith have also been regenerated. जो लोग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, उनका नया जन्म भी हुआ है. Regeneration is the way in which God supernaturally changes us. और नया जन्म की बात यह है, परमेश्वर जब अस्वाभाविक रूप से हमारे जीवन को परिवर्तित करता है. The day we were saved, we were born again. जिस दिन हमने उद्धार पाया, हमारा नया जन्म हुआ. We were made into new creatures. हम नई सृष्टि के रूप में बनाए गए हैं. With new hearts. नए हृदय में. With new desires. नई अभिलाषाओं के नए अभिलाषाओं में. And the power to walk in newness of life. और वह सामर्थ्य कि नए जीवन को व्यतीत करें. So although we still struggle with sin, यद्यपि हम पाप के साथ संघर्ष करते हैं, we are not enslaved to sin. और अब फिर भी हम अब पाप के दास नहीं रहे. So the Christian who has been justified, इसलिए मसीही जो लोग धर्मी ठहराए गए हैं, apart from works, कामों के द्वारा नहीं, he will begin to live in a different way. अब वह दूसरे तरीके से जीवन को व्यतीत करेंगे. If you do not live in a different way, यदि आप दूसरे तरीके से जीवन को नहीं व्यतीत करते हैं, it is evidence you have not been justified. इसका मतलब यह है कि आप धर्मी नहीं ठहराए गए हैं. If any man is in Christ, he's a new creature. यदि कोई मसीह यीशु में है, तो वह नई सृष्टि है. Now he says we've been justified as a gift by his grace. और यहां पर लिखा है कि हम उसके अनुग्रह के द्वारा सेहत में धर्मी ठहराए गए हैं, मुफ्त में धर्मी ठहराए गए हैं. This almost seems to be too repetitive. यह ऐसा लगता है कि दोहराया जा रहा है बार बार. We've been justified as a gift is what it seems to be saying. हम लोग धर्मी ठहराए गए हैं उपहार के रूप में. Now why is Paul saying it this way? पौलुस क्यों इस बात को इस तरह से कह रहा है? Because all men are inclined to believe that salvation is something that is earned. Sorry? All men are inclined to believe that salvation is something that's earned instead of being a gift. क्योंकि सब लोग ये विश्वास करते हैं उद्धार कुछ ऐसी वस्तु है जिसे कमाया जाता है, प्राप्त किया जाता है. Even after we become Christians, यद्यपि मसीही बनने के बाद भी, we have the tendency to think that we've got to do something to keep God's favor. हमारे साथ यह समस्या रहती है कि हम कुछ कार्य करें कि परमेश्वर का पक्ष प्राप्त करने के लिए. And Paul's saying, no, it's a gift. पौलुस कहता है नहीं, उद्धार उपहार है. It is a gift. यह एक उपहार है. Now the word he uses here for gift, जो शब्द यहाँ पर पौलुस उपयोग करता है उपहार के लिए, is the Greek word dorian, जो यूनानी शब्द है. It's the same word that is used in this following statement. आगे के कथन में जो उसने उपयोग किया है, Jesus said they hated him without a cause. यीशु मसीह ने कहा लोगों ने उनसे घृणा की बिना कारण के. Now what that means is Jesus never gave anyone a reason to hate him. यीशु लोगों के पास कोई कारण नहीं था कि यीशु से घृणा करें. So those who hated him even though he did not give them a reason to. और लोगों ने जिन्होंने उनसे घृणा की, यद्यपि उनके पास कोई कारण नहीं था, यीशु ने उन्हें कोई कारण नहीं दिया कि लोग उसके कारण उनसे घृणा करें. That's the same word used here. और वही बात, वही वचन यहाँ पर प्रयोग किया गया है. And what it means is this. उसका अर्थ यह है, God declared you to be right with him, परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया उसके साथ, even though you never gave him a reason to declare you to be right with him. यद्यपि आपके परमेश्वर के सामने आपको धर्मी ठहराए जाने के लिए आपने कोई कार्य नहीं किया, कोई कारण नहीं दिया. Do you see that? बात समझ में आ रही कि नहीं? He did not save you because of you. परमेश्वर ने आपको और हमें हमारे वजह से नहीं बचाया. He saved you in spite of you. उसने हमें बचाया, उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं था. He did not give you what you deserved. हम जिसके अधिकारी नहीं थे, परमेश्वर ने हमें वह नहीं दिया जिसके हम अधिकारी हों. But he gave you the very opposite. लेकिन उसके विरोध में उसने हमें कुछ दिया है. It had nothing to do with you. इसका हमारे साथ कुछ लेना देना नहीं है. Now let's talk about the righteousness of God for just a moment. आइए थोड़ी देर के लिए परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बात करें.
A friend told me this many years ago, and I have done it a few times. इनके एक मित्र ने बहुत साल पहले इनसे बताया और इन्होंने उसको कई बार किया. Sometimes when I'm sitting on an airplane, I'll have my Bible open. उनके कई बार जब वो हवाई जहाज में बैठते हैं तो अपनी बाइबल को खुला रखते हैं. And someone will start talking to me. और कोई उनसे उसके बारे में बात करना शुरू करता है. And eventually they ask me the question, well, how can I go to heaven? और लोग अक्सर इनसे प्रश्न पूछते हैं कि कैसे मैं स्वर्ग में जा सकता हूं. And I just look at them and I say this. तब ये उनको देखते हैं और कहते हैं. Oh, that's easy. और ये बहुत सरल है. All you have to do is be absolutely perfect from the moment of your birth to the moment of your death. जो आपको करना है वो यह है कि आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक आप सिद्ध बने रहें. And then I just keep reading my Bible. और तब वो अपनी बाइबल को पढ़ने लगते हैं. And the person looks at me. तब वो इनको देखता है. And they go, hey, what do you mean by that? तब वो फिर से पूछते हैं इनसे कि क्या मतलब है इसका जो आपने कहा. To go to heaven, you have to be absolutely perfect without one sin. और तब वो कहते हैं बिना पाप के परमेश्वर के आपको बिना पाप के पूरे जीवन भर शुद्ध बने सिद्ध बने रहना है. And I can see them sitting over there just going, you know. तब ये उनको देख सकते हैं लोगों को इस प्रकार से सोचते हुए कि अरे क्या हो रहा है. And then they'll go, but nobody's like that. तब लोग पूछेंगे कि अरे इस प्रकार से कोई भी नहीं है. I say, you got a big problem, don't you? तब ये कहते हैं कि यहाँ पर बड़ी समस्या है. Well, then how can I go to heaven? तब फिर पूछते हैं कि कैसे मैं स्वर्ग को जा सकता हूँ. I don't guess you can. और तब ये कहते हैं मुझे नहीं मालूम. Well, what am I supposed to do? मुझे क्या करने की जरूरत है. I don't know. मुझे नहीं मालूम. And then I began to share the gospel with them. तब वो उनके साथ सुसमाचार को बांटते हैं. See, most people think that if they're not a murderer, God will let them into heaven. Most people think that if they've never killed somebody, God will let them into heaven. लोग सोचते हैं यदि उन्होंने हत्या नहीं की है तो परमेश्वर उनको स्वर्ग में जाने देंगे. But to be in the presence of God requires absolute perfection. और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए पूर्ण सिद्धता की जरूरत है. That's why when Christ died, he paid for every sin, past, present, and future. इसलिए जब यीशु मसीह बलिदान हुए मर गए तो उन्होंने सारे पापों के लिए बलिदान मूल्य चुकाया भूतकाल के वर्तमान के और भविष्य के. Now, I want to just talk about justification just a little bit more. और अधिक थोड़ा सा धर्मी ठहराए जाने के बारे में बात करेंगे. When you believe in Jesus, जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, it means that you are declared right with God. इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए गए हैं. And God is going to treat you as someone who is right with Him. और तब परमेश्वर आपके साथ इस प्रकार से व्यवहार करेंगे कि कोई ऐसे व्यक्ति के समान जो उनके साथ हमेशा सही रहा. Do you understand what that means? बात समझ में आ रही ना? He's going to treat you as someone who has no sin. अब परमेश्वर आपके साथ ऐसे व्यवहार करेंगे जिसके अंदर कोई पाप ना हो. He's adopted you into his family. परमेश्वर ने आपको अपने परिवार में ले लिया. And he sees you as perfectly righteous before him in Jesus Christ. और अब आपको वह यीशु मसीह में पूरी रीति से सिद्ध मनुष्य के रूप में देखते हैं. You say to yourself, but I still sin. आप अपने आप से कहेंगे लेकिन मैं अभी भी पाप करता हूँ. That's true. वो सत्य है. And you say, and God sometimes even disciplines me. और कई बार आप कहेंगे परमेश्वर मेरी ताड़ना करता है. That's true. वो सत्य है. But he disciplines you not to condemn you. परमेश्वर आपको अनुशासित करते हैं आप पर दोष लगाने के लिए नहीं. He disciplines you as a father to a son. वह आपको एक पिता जैसे पुत्र को अनुशासित करता है पुत्र को अनुशासित करता है वैसे ही वो आपकी ताड़ना करते हैं. But even in the midst of that discipline, लेकिन उस अनुशासन के मध्य में भी you are still perfectly right with God. आप अभी भी सिद्ध रूप से परमेश्वर के साथ सही हैं. He considers you to be right with him. परमेश्वर आपको उसके साथ सही के समान देखते हैं. And he treats you as right with him. और वह आपके साथ सही व्यक्ति होने के समान व्यवहार करते हैं. There is no longer any wrath. अब वहां पर कोई प्रकोप नहीं है.
No more anger or condemnation. वहाँ पर कोई क्रोध नहीं है, कोई दोष नहीं है. You are free. अब आप स्वतंत्र हैं. It's the same way on Judgment Day. न्याय के दिन इसी प्रकार से होगा. The great majority of the world will stand before a great judge, and they will be condemned. बहुत सारे लोग जो परमेश्वर जो महान न्यायी के सामने खड़े होंगे, वह दोषी ठहराए जाएंगे. But you will stand before a judge who is your father. लेकिन आप उस न्यायी के सामने खड़े होंगे जो आपका पिता है. Do you see the difference? अंतर समझ रहे हैं आप? You are free. आप स्वतंत्र हैं. You are accepted in Jesus Christ. आप मसीह यीशु में ग्रहण किए गए हैं. You are perfectly loved as a child of God. आप सिद्ध रूप से प्रेम किए गए हैं परमेश्वर की संतान के समान. There's nothing you have to do to win God's favor. परमेश्वर का पक्ष प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. It has all been accomplished in Jesus Christ. या यीशु मसीह में पूरी रीति से प्राप्त किया गया है. Now, you know that everybody who goes to church isn't a Christian. आप जानते हैं सब लोग जो चर्च में जाते हैं वो मसीही नहीं हैं. So when I preach this in a church, इसलिए जब इस बात का प्रचार करते हैं आप चर्च में, and the lost church member hears this truth, और तब खोए हुए चर्च के सदस्य इस सत्य को सुनते हैं, he says, well then, I'll just live in sin. तब वो कहते हैं कि अरे मैं तो पाप में जी रहा हूँ. If it doesn't depend on me and God loves me anyway, I'll just go back. I just live in the world. यदि यह मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है, तो मैं संसार में जाऊंगा और पाप करता रहूंगा. But by saying that, he is proving that he's not Christian. लेकिन यह बात कहने के द्वारा वो प्रमाणित कर रहा है कि वो मसीह नहीं है. Because the true Christian, when he hears this truth, क्योंकि जब सच्चा मसीही इस सत्य को सुनता है, he says, if salvation is free, वह कहता है यदि उद्धार मुफ्त में है, if God loves me now, no matter what I do, यदि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं कि मैं क्या करता हूँ, if I have a perfect standing before God because of Jesus Christ, यदि मेरा सिद्ध समझ है परमेश्वर के साथ में यीशु मसीह के कारण, then I want to serve him more, तो मैं उसकी और अधिक सेवा करना चाहता हूँ, I want to be more holy, तो मैं और पवित्र बनना चाहता हूँ, I want to do better, और बेहतर करना चाहता हूँ मैं, I want to become less like the world and more like Christ, मैं और भी अधिक परमेश्वर मसीह के समान बनना चाहता हूँ, संसार के समान कम. Let me give you an example. एक उदाहरण देंगे. Let's say that there are two women. मान लें कि वहाँ पर दो महिलाएं हैं. And they both serve their husbands 24 hours a day. और वे दोनों 24 घंटे अपने पति की सेवा करती हैं. But the one woman is full of joy and the other one is very nervous and full of sadness. एक लेकिन उनमें से एक महिला बहुत प्रसन्न है, खुश है, और दूसरी बहुत दुखी है. Now what is the difference? अंतर क्या है? The woman who is sad and always full of and is always nervous. वो महिला जो हमेशा दुखी है, she is serving her husband 24 hours a day so that he will love her. इसलिए वो इन सब कामों को करती है, 24 घंटे पति की सेवा करती है कि वह उससे प्रेम करेगा. But the woman that is filled with joy, लेकिन वह महिला जो आनंद से भरी हुई है, she serves her husband 24 hours a day, वह अपने पति की 24 घंटे सेवा करती है, because he does love her, क्योंकि वह उससे प्रेम करता है. It's not something she has to earn. उसको कुछ कमाने की प्राप्त करने की जरूरत नहीं है. It is a response to his love. वह उसके प्रेम के परिणाम स्वरूप है, प्रेम के प्रत्युत्तर में. That's the same way with the children of God. उसी प्रकार से परमेश्वर की संतानों के लिए है. You don't serve God so that he will love you. आप परमेश्वर की सेवा इसलिए नहीं करते हैं कि वह आपसे प्रेम करे. You don't serve him so that he might accept you. आप इसलिए परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं कि वो आपको स्वीकार करे. You serve him because he does love you and he has accepted you. आप इसलिए उसकी सेवा करते हैं क्योंकि उसने आपको प्रेम किया है और आपको स्वीकार किया है. You're free. आप स्वतंत्र हैं. अब You're perfectly and completely loved. आप सिद्ध रूप से पूरी रूप से परमेश्वर ने आपको प्रेम किया है.
And if you're a Christian, that will motivate you to want to serve God even more. यदि आप मसीही हैं तो यह आपको और अधिक प्रोत्साहित करता है कि आप परमेश्वर को प्रेम करें. It's very difficult for us to understand unconditional love. बिना शर्त के प्रेम को समझना हमारे लिए बहुत कठिन है. It's very difficult for us to understand unmerited favor or the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह को समझना हमारे लिए बहुत कठिन है. We live in a world where everybody puts conditions. हम ऐसे संसार में जीवन को व्यतीत करते हैं जहां पर प्रेम के लिए शर्त है. Women can especially understand this. महिलाएं इस बात को विशेषकर समझ सकती हैं. Because the appearance of a woman is so important in this ungodly world. क्योंकि महिलाओं की जो sorry. Well, let me give you an example. Yes. Let me give you an example. एक उदाहरण देंगे आपको. Women today have a lot of pressure on them. महिलाओं के ऊपर तमाम प्रकार के दबाव हैं आज. In order to be considered worthy of love, प्रेम के योग्य समझा जाने के लिए, they must be about this tall. हो सकता उनको लंबा होना जरूरी है. They must weigh about 10 kilos. Very skinny. हाँ, बहुत दुबले पतले होना जरूरी है उनको, 10 किलो जैसे. They must have the mind of Einstein. उनको बहुत बुद्धिमान होने की जरूरत है. And they must have the beauty of a supermodel. और तब उनको एक मॉडल के समान बहुत सुंदर होना जरूरी है. Women live under that kind of pressure. महिलाएं इस प्रकार के तनाव में जीवन को व्यतीत करती हैं. They'll go and have operations and all kinds of things trying to fix themselves. हो सकता है वो तमाम प्रकार के ऑपरेशन या प्रयास करती हैं इस प्रकार से बच्चे बनने के लिए. Because the love presented to them is conditional. क्योंकि उनको सामने जो प्रेम प्रदर्शित किया गया है वो शर्त वाला प्रेम है. If you look like this, I will love you. यदि तुम इस प्रकार की दिखोगी तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा. If you do this, I will love you. यदि तुम यह करोगी तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा. But in the kingdom of heaven, that is completely destroyed. लेकिन स्वर्ग के राज्य में यह पूरी रीति से नष्ट कर दिया गया है. You are loved. आपसे प्रेम किया गया. Period. किया गया पहले ही. Do you know that the Father looked down many times at Jesus and said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." आपने देखा सुसमाचारों में हम पाते हैं कई बार पिता ने कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं. Now, I want you to think about something. हम चाहते हैं कि आप कुछ विचार करें. You all know that Jesus died for you. आप सब जानते हैं कि यीशु आपके लिए मरे. But have you ever heard that Jesus lived for you? क्या आप ये जानते हैं कि यीशु आपके लिए जिए? And you say, "Oh yes, he rose again from the dead." आप कहेंगे हाँ, वो मृतकों में से जी उठे. That's not what I'm talking about. उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. I'm talking about the life that he lived. हम लोग बात कर रहे हैं उनके जीवन के बारे में. He lived in perfect obedience to his father. वह पिता की सिद्ध आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत किए. And his father looked at his good works and said, "This is my beloved son in whom I'm well pleased." पिता ने उनके भले कार्यों को देखा और कहा, "यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं." When you believed in Jesus, जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, not only were all your sins forgiven, न केवल वह जो पाप जो आपके क्षमा कर दिए गए, but the perfect life that Jesus lived was imputed to you, was given to you. और तब वह सिद्ध जीवन जो यीशु मसीह ने जिया, वह आपको मिल जाता है. All that he did in his life is put in your account. जो कुछ भी यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया वह आपके हिस्से में जुड़ जाता है, आपके खाते में लिख दिया जाता है. You have been dressed in the good works of Christ. आप भले कामों का वस्त्र पहना दिया जाता है आपको. And that's the way the Father treats you. और वही उस तरीके से अब परमेश्वर आपके साथ पिता व्यवहार करता है. He treats you as one whose sins have been forgiven. वह आपको एक पाप क्षमा प्राप्त किए हुए व्यक्ति के समान व्यवहार करते हैं. And someone who has the very righteousness of Christ. वह व्यक्ति जिसने मसीह की धार्मिकता को प्राप्त किया है. Do you remember Joseph had the coat of many colors? आपको याद है यूसुफ जो बहुत चमकीला वस्त्र रंगीन कपड़ा पहना था. And he didn't want to share it with his brothers.
वह अपने भाइयों के साथ नहीं बांटना चाहता था उसे. Christ is greater than Joseph. लेकिन मसीह ने यूसुफ से महान कार्य किया. Christ has dressed every one of his brothers and sisters in his coat of righteousness. मसीह यीशु ने अपने धार्मिकता के वस्त्र को हमें और आपको बहनों और भाइयों को दे दिया. Do you see how free you are? आप देख सकते हैं कितना स्वतंत्र हैं आप. How loved you are. कितना अधिक प्रेम किया गया आपसे. How blessed you are. कितने आशीषित हैं आप. I came from a family that was very demanding. आप ऐसे परिवार से आते हैं जहां पर बहुत मांग की जाती है. I always had to make the best grades. आपको अच्छे नंबर लाने थे हमेशा. I always had to do better than everyone else. आपको सबसे बेहतर करना था दूसरों से. When I became a Christian, I thought God was that way. जब आप मसीही बने तो इन्होंने सोचा परमेश्वर इसी प्रकार से होगा. And then if I wanted God to really love me, I needed to work harder than all his other sons. यदि वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रेम करे तो उनको दूसरे बच्चों से अधिक अच्छा कार्य करना था. And I worked in the ministry 18 hours a day. और वो दिन के 18 घंटे सेवा में कार्य करते थे. I mean for a few years just on and on without stop. और कई वर्षों तक वो लगातार लगे रहते थे. And I'll never forget I was in the city of Lima in the country of Peru. पेरू देश में लीमा नामक शहर में. And I was in this building that we had rented for a church. एक भवन जो उन्होंने कलीसिया चर्च के लिए किराए पर लिया था. I was so tired. बहुत थके हुए थे आप. And I felt like such a failure. तब उन्होंने असफल महसूस किया. And I was going up the steps on the third floor of the building. और भवन के तीसरे मंजिल पर वो जा रहे थे सीढ़ियों के द्वारा. And I just collapsed. और तब वो गिर गए. I don't know if it was a nervous breakdown or what happened. नहीं समझ में आया उनको क्या हुआ. And I just started crying. और तब रोना शुरू किया आपने. And I said, God, I don't want to go to hell. तब उन्होंने कहा पिता मैं स्वर्ग में परमेश्वर मैं स्वर्ग में नरक नहीं जाना चाहता. Because I know it's real and I fear hell. क्योंकि मैं जानता हूँ ये वास्तविक है और मैं महसूस करता हूँ नरक के बारे में. But I don't want to go to heaven. लेकिन मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहता. Because I'm sorry. But I don't want to go to heaven. I do not want to go to heaven. उन्होंने जो सेंटेंस कहा वो स्वर्ग के बारे में. अच्छा. Okay. I didn't want to go to hell because I feared hell. मैं नरक में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं डरता हूँ उससे. But I told God I do not want to go to heaven. मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहूँगा. Because I'm so ashamed. क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ. I'm a failure. मैं असफल रहा. I've accomplished nothing. मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया. And I just laid there on those steps and cried. और वो सीढ़ियों पर लेट कर रो रहे थे इस प्रकार से. And that was when God began to work in my life. तब परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य करना आरंभ किया. And I learned that He loved me. और तब आपने सीखा कि वह उसने आपसे प्रेम किया है. That I didn't have to do anything to earn His love. कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए. You see, God doesn't have this group of special children that he really loves because they were the best. आप जानते हैं कि परमेश्वर के पास इस प्रकार का कोई समूह नहीं है कि ऐसे बच्चों का कि जो बहुत प्यार करते हैं उससे. I kind of thought heaven would be this way. आपने पहले सोचा शायद स्वर्ग इस प्रकार से होगा. Spurgeon and Hudson Taylor and George Mueller would all be over there with God. चार्ल्स स्पर्जन, हडसन टेलर या दूसरे बड़े बड़े सेवक प्रभु के शायद वहां होंगे. And I would be somewhere in Siberia. और मैं शायद कहीं किनारे होऊंगा साइबेरिया जैसे देश में. And I just couldn't stand that. उनको ये बात नहीं समझ में आई पहले. But that's not true. लेकिन वो सत्य नहीं था. That's what's so wonderful about this. यही है जो बहुत अद्भुत है इसके बारे में. You remember when Jesus said the first will be last and the last will be first? आप याद करें यीशु मसीह ने कहा जो पहले हैं वो अंतिम होंगे जो अंतिम हैं वो प्रथम होंगे. Do you know what that means? उसका मतलब क्या है जानते हैं आप? Yes, if I take last place here on earth, I'll have first place in heaven. यदि मैं संसार में आदर का अंतिम स्थान लूं तो मैं स्वर्ग में पहला स्थान पाऊंगा. No, that's not what it means. उसका मतलब ये नहीं है. When the first is last and the last is first, there are no first or last. वहां पर कुछ पहला और अंतिम, अंतिम और पहला नहीं है. Do you understand?
The idea of first, second, third, fourth, it's destroyed. अब पहला दूसरा तीसरा चौथा का जो विचार था वो नष्ट कर दिया गया. We're his children and we're loved, period. Sorry? We are his children and we are loved. हम उसके बच्चे हैं और हमसे प्रेम किया गया है. That's why when I am happy, I'm so happy. इसीलिए हम बहुत खुश हैं हम. Because we're just loved. क्योंकि हमसे प्रेम किया परमेश्वर ने. It's finished. We don't have to do anything to earn his love. और यह पूर्ण हो गया है. हमें उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है. Christ did it all. मसीह ने सब कुछ कर दिया. Now, he says, being justified as a gift by his grace through the redemption which is in Christ Jesus. यहाँ पर लिखा है, वह उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं. The word redemption is very important. छुटकारा जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है. It deals with the paying of a price. यह जो मूल्य चुकाया गया उसकी जो दर्द है उससे संबंधित है. Paying of a price to buy the freedom of a slave or a captive or a prisoner. एक दास को छुड़ाने के लिए जो कीमत चुकाई जाती है, जो दर्द चुकाया जाता है, उसके संबंध में है. Now, this is the motivation for the Christian life. मसीही जीवन के लिए यह प्रोत्साहन की बात है. Jesus Christ paid for our freedom with his blood. यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे छुटकारे के लिए कीमत चुकाई. What greater price could be paid? महान मूल्य कैसे चुकाया जा सकता है? What greater thing could be done for you? आपके लिए सबसे महान कार्य क्या किया जा सकता है? Why do we serve him? हमें उसकी सेवा क्यों करनी है? He shed his blood for us. उसने अपने खून को हमारे लिए बहा दिया. Why do we seek to be faithful even though they martyr us? हम क्यों उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहना चाहते हैं यद्यपि हम चाहे मार दिए जाएं? Because he spilled his blood for us. क्योंकि उसने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया. If you are a Christian, you are free. यदि आप एक मसीही हैं तो अब आप स्वतंत्र हैं. But there's also a sense that if you are a Christian, you are a prisoner. लेकिन एक विचार और भी है कि यदि आप मसीही हैं तो आप बंदी हैं. You are a prisoner to the love of God. परमेश्वर के प्रेम के कैदी हैं आप. The love of God controls you. परमेश्वर का प्रेम आपको नियंत्रित करता है. That's what the Apostle Paul was teaching in 2 Corinthians 5. दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय में पौलुस वही सिखा रहा है. He said the love of God controlled him. परमेश्वर का प्रेम उसे विवश करता है, वो कहता है. That is not Paul's love for God, but God's love for Paul. वह पौलुस का प्रेम परमेश्वर के प्रति नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम पौलुस के प्रति. That love was so great that it moved Paul to obey God. परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि वह पौलुस को विवश करता है परमेश्वर की आज्ञाकारी बनने के लिए. When you think about the price that was paid for you, यदि आप उस कीमत के बारे में विचार करते हैं जो आपके लिए चुकाई गई, it moves you to want to serve him. यह आपको विवश करेगा कि आप उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहें. Let me give you an example. एक उदाहरण देने दें मुझे. When you know how righteous God is, जब आप जानते हैं परमेश्वर कितने धर्मी हैं, how great he is, कितना महान है परमेश्वर, and when you realized how sinful you were, और जब आप महसूस करते हैं कितना पापी हैं आप, and then you realize the great price that God paid for you, और तब आप महसूस करते हैं उस महान मूल्य को जो परमेश्वर ने चुकाया आपके लिए, that moves us to want to serve God with all our heart, soul, mind and strength. तो वह हमारी सहायता करता है कि हम अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण बुद्धि से, पूरी शक्ति से उससे प्रेम कर सकें. And that's what I've been saying all day. That is what I have been teaching all day. वही है जो सुबह से आप सिखा रहे हैं. You must teach the people who God is. हमें लोगों को सिखाने की जरूरत है कि परमेश्वर कौन है. How great he is. वो कितना महान परमेश्वर है. You must teach the people how sinful they were. और लोगों को हमें सिखाने की जरूरत है कि वो कितना अधिक पापी थे.
You must teach them the greatness of what God has done for them. और तब हमें सिखाने की जरूरत है कितने महान कार्य किए परमेश्वर ने उनके लिए. When a Christian understands these things, you will have no problem with him serving God. जब मसीही लोग इस बात को समझ जाते हैं, तो आपको उनके साथ सेवा करने, परमेश्वर की सेवा करने में समस्या नहीं होगी. But he's driven by the love of God. लेकिन यह परमेश्वर के प्रेम के कारण नियंत्रित होना है. Not by guilt. दोष के कारण नहीं. Not by trying to earn something. कुछ प्राप्त करने की स्थिति के कारण नहीं. He's driven by love. वह परमेश्वर के प्रेम के कारण नियंत्रित होता है. Pastors can be very guilty of manipulating the congregation. पासवान लोग कलीसिया को जो कलीसिया झुंड को संचालित झुंड को नियंत्रित करने के लिए दोषी हो सकते ठहराए जा सकते हैं. A man was telling me the other day about a pastor. A friend of mine was telling me about a pastor. इनका एक मित्र एक पासवान के बारे में बता रहा था. On Sunday morning he preached commitment. इतवार की सुबह वो समर्पण के बारे में प्रचार करते हैं. And on Sunday night he preached commitment. और इतवार की रात में भी वो समर्पण के बारे में प्रचार करता है. And on Wednesday night he preached commitment. बुधवार के को रात में भी वो समर्पण के बारे में प्रचार करते हैं. And he would get mad because the people were never committed. और वह पागल जैसे हो जाते हैं क्योंकि लोग समर्पित नहीं हैं. If he would preach Christ on Sunday morning and Sunday night and Wednesday night. यदि वो मसीह का प्रचार करें इतवार को सुबह शाम और बुधवार की रात में. If the Christians begin to see what God has done for them. जब लोग इस बात को देखने लगेंगे कि मसीह ने उनके लिए परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है. They will be moved to commitment. तब लोग समर्पण की ओर आगे बढ़ेंगे. And if they're not moved to commitment, it's because they're not Christians. यदि वो समर्पण की ओर आगे नहीं बढ़ते हैं तो इसका मतलब वो मसीही नहीं है. If you have a congregation of people who have been truly, truly born again. यदि आपके पास ऐसे लोगों का समूह है जिन्होंने वास्तव में नया जन्म प्राप्त किया है. They will not be that difficult to pastor. तो उनके मध्य में सेवा करने में कठिनाई नहीं होगी आपको. Because their heart is right. क्योंकि उनका हृदय सही है. They love God. वे परमेश्वर को प्रेम करते हैं. What they need is to know more about him. उनको जो जरूरत है वो यह कि परमेश्वर के बारे में और भी अधिक जानें. And more about what he's done for them. और यह कि इसके बारे में और भी अधिक कि उसने उनके लिए क्या किया है. Remember, tell them who God is. याद रखें लोगों को बताएं कि परमेश्वर कौन है. Tell them what they were. और लोगों को बताएं कि वह क्या थे. Tell them what Christ has done for them. लोगों को बताएं कि मसीह ने उनके लिए क्या किया है. And tell them what they have become in Christ. और लोगों को बताएं कि वह मसीह में क्या बन गए हैं. Now, he says, through the redemption which is in Christ Jesus. वह कहता है कि उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है. In Christ Jesus. मसीह यीशु में. This is used throughout the New Testament. ये विचार नए नियम में कई बार इस्तेमाल किया गया है. You are either in Adam or you are in Christ. या तो आप आदम में होंगे या तो आप मसीह में. If you are in Adam, you are condemned. यदि आप आदम में हैं तो आप दोषी ठहराए गए हैं. If you are in Christ, you are justified. और यदि आप इस मसीह में हैं तो आप धर्मी ठहराए गए हैं. One time I was preaching on the sufficiency of Jesus Christ. एक बार आप यीशु मसीह की पर्याप्तता पर विचार कर प्रचार कर रहे थे. And a young boy came up to me after the sermon and he said this. संदेश के बाद में एक जवान इनके पास आया और उसने इनसे कहा. He said, "You're right, Brother Paul." ब्रदर पॉल आप सही हैं. Jesus is all we need. यीशु मसीह सब कुछ है जो उसकी हमें जरूरत है. And I said, "Young man, Jesus is all we have." उन्होंने कहा ये यीशु जो कुछ हमारे पास है वो है. Now the point that I'm making is this. जो बात कहना चाहते हैं वो ये है. Outside of Christ you have nothing. मसीह के बाहर हम कुछ नहीं हैं. Nothing but death and condemnation. कुछ नहीं केवल निश्चित दोषी ठहराए गए हैं. In Christ you have everything. मसीह में हम सब कुछ हैं. It is all Christ. यह मसीह में सब कुछ. Everything is Christ.
सब उस मसीह है. Everything you have from the Father comes from Christ. पिता के द्वारा जो कुछ भी आता है वो मसीह है. This is why you are loyal to him. इसलिए हमें उसके प्रति विश्वासयोग्य बनना है. Look at what he's done for you. देखें कि उसने आपके लिए क्या किया. Look at who you are in Christ. देखें मसीह में आप कौन हैं. Look at what you would be if it was not for Christ. देखें कि यदि आप मसीह में नहीं होते तो आप क्या होते. This is the motivation for everything. ये हम सब बातों में हमारे लिए प्रोत्साहन की बात है. What Jesus Christ has done for us. जो मसीह यीशु ने हमारे लिए किया. And even when we seek to serve him with our best. यद्यपि हम अपने बेहतर करने का प्रयास करते हैं उसकी सेवा में. We still fail. हम तब भी असफल रहते हैं. But there is therefore no condemnation. लेकिन तब भी हम दोषी नहीं ठहराए गए हैं. We're free. हम स्वतंत्र हैं. We're loved. हमें प्रेम किया परमेश्वर ने. And it's all because of him. और यह केवल उसके कारण है. I am known, at least through many places in the world, as being a preacher who's always preaching on sin. आप संसार के कई सारे क्षेत्रों में ऐसे प्रचारक के रूप में जानते हैं जो हमेशा पाप के बारे में प्रचार करते हैं. But I want you to understand something. लेकिन आप चाहते हैं कि हम लोग कुछ समझ लें. When I'm preaching to unconverted church members and worldly people, I preach on sin. जब आप बिना परिवर्तित ऐसे लोग प्रचार करते हैं जो मसीही नहीं हैं, तो पाप के बारे में प्रचार करते हैं. But when I'm dealing with true believers, जब आप सत्य विश्वासियों के बारे में प्रचार से बात करते हैं, I find that they have a greater need. तब हम पाते हैं कि उनकी बड़ी जरूरत है. If they are a true believer, यदि वे सत्य में विश्वासी हैं, and their heart has been changed, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, then they do. They are broken over sin. पाप के ऊपर उनको तोड़ा गया है. They do repent of sin. वे पश्चाताप करते हैं. I don't need to go to them all the time and tell them about sin. अब तब उनको जरूरत नहीं है कि उनके पास बार बार जाएं और पाप के बारे में बात करें. I need to go to them all the time and keep telling them that God loves them. और तब उनके पास जाकर उनको बताने की जरूरत है कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है. They need to hear it all the time. उनको यही है हमेशा जो सुनने की जरूरत. It needs to be confirmed to them. उनको निश्चय इस बात का चाहिए कि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं. The one thing that the devil will do in the life of a believer is make him doubt the love of God. शैतान यही एक काम करता है विश्वासी के जीवन में, वह उसको संदेह उत्पन्न करेगा परमेश्वर के प्रेम के प्रति. But a believer cannot be strong unless he understands how much God loves him. एक विश्वासी कभी भी मजबूत नहीं हो सकता जब तक इस बात को ना समझ ले परमेश्वर कितना अधिक प्रेम करते हैं उससे. Whenever I was a pastor, I worked very, very hard at this. जब आप पासवान थे, आपने बहुत कठिन परिश्रम किया इस कार्य को करने के लिए. Teaching on the love of God for his people. परमेश्वर के प्रेम की शिक्षा देने के लिए उसके लोगों को. And it would be so wonderful as a pastor when I would be teaching. यह बहुत अद्भुत बात रही जब आप शिक्षा देते हैं लोगों को. And you would see in someone's eyes that they understood. और तब आप किसी की आंखों में देखते हैं कि वो समझ गए हैं. And they'd walk out of the church almost glowing. और तब वो एक कलीसिया में चलते हैं चमकते हुए जैसे. He loves me. परमेश्वर मुझे प्रेम करता है. I mean, he really loves me. तब लोग उनसे प्रेम करेंगे. And then someone will say, "Yes, we know that." And the believer would go, no, he really, 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 really loves me. And a person who's overcome by that kind of love really doesn't care much about the world anymore. वह व्यक्ति जो इस बात को समझ जाता है कि परमेश्वर उसको इतना अधिक प्रेम करते हैं, वह संसार की चिंता नहीं करेगा. Well, let's see here. We're going to begin with verse 25 when we come back. 25 पद पर हम लोग बात करेंगे जब वापस आएंगे. Let me ask you something, pastors, missionaries. पासवानों, सेवकों, आपसे कुछ पूछने दें. Do you sometimes study
about the cross or the love of God and get so excited that you want to dance? कई बार आप जब क्रूस के बारे में अध्ययन करते हैं और परमेश्वर के प्रेम के बारे में तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, शायद नाचना चाहते हैं. Or that you just fall to your knees and weep and cry out to God and bless His name because of His love? या आप अपने घुटनों पर जाते हैं और परमेश्वर की पुकार कर कहते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं. Are you sometimes just literally amazed at what God has done for you? और कई बार आपको आश्चर्यचकित कर देता है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है. If you say no, यदि आप कहते हैं नहीं, then you need to leave the ministry. तब आपको सेवा को छोड़ देना चाहिए. You really do. If the love of God has not grabbed a hold of you, यदि परमेश्वर के प्रेम ने आपको पूरी तरह से जकड़ के नहीं रखा है, if it's not the love of God moving you, यदि परमेश्वर का प्रेम आपको संचालित नहीं करता है, if it's not gratitude and thanksgiving for what Christ has done for you, यदि यह आभार नहीं है या धन्यवाद से आपके हृदय नहीं भरे हुए हैं मसीह ने जो कुछ भी आपके लिए किया है, then why are you even doing what you're doing? तो आप क्यों जो कुछ कर रहे हैं वह कर रहे हैं? And how are you going to be a blessing to God's people? कैसे आप परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष का कारण होंगे? Men, never forget this. भाइयों, इसको ना भूलें. One aspect of the fruit of the Spirit is joy. पवित्र आत्मा का एक फल जो है वह है आनंद. And a big part of that joy comes from understanding who you are in Christ. और आनंद का जो बड़ा हिस्सा है वह इस बात से आता है कि मसीह में हम कौन हैं, मसीह में आप कौन हैं. And whether you like it or not, your joy is going to be transmitted to the people that you pastor. आपका आनंद, आप चाहे बात पसंद करें चाहे ना करें, आपका आनंद आपके लोगों के जीवन में जाएगा, लोगों के जीवनों को परिवर्तित करेगा. A dead pastor is going to produce a dead congregation. एक मरा हुआ पासवान एक मरी हुई कलीसिया को जन्म देगा, तैयार करेगा. Even a theologically correct pastor who has no life is going to produce a dead congregation. चाहे जितना अधिक धर्म विज्ञान का ज्ञाता हो एक पासवान, यदि वह उसमें जीवन नहीं है तो वह लोगों में जीवन को नहीं उत्पन्न कर सकता. It's life that we must communicate. हमारा जीवन है जो हमें लोगों को प्रदर्शित करना है, संचारित करना है, पहुंचाना है लोगों तक. The more you draw near to God in His Word and in prayer, the more life will manifest in your life. जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में परमेश्वर के नजदीक आते हैं, उतना अधिक आपका जीवन परिवर्तित होता जाता है. Let's pray. आइए प्रार्थना करें. Father, I thank you for the men and women who are here. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इन भाइयों और बहनों के लिए जो यहाँ पर हैं. I pray that you would bless them and strengthen them. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें आशीषित करें और उनको और अधिक मजबूत बनाएं. That we would all grow in the love of God. जिससे हम सब परमेश्वर के प्रेम में बढ़ सकें. In Jesus' name, amen. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.